हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्यार के लिए, आपका महान प्यार जिसने मुझे अपने में प्रभु आपने स्वीकार किया है। आपकी दया के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, आपकी दया ने मुझे स्वीकार किया भगवन। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आप सदैव मेरी सहायता करते हैं। आपकी दया के कारण मैं अनंत आनंद में प्रवेश करता हूँ प्रभु। आप हमें ईश्वरीय जीवन जीने में मदद करें, हमारी मदद करें, हम परीक्षा में न पड़ें, दुनिया के बहकावे में न आएं। हमें आप अपना वह अनुग्रह व शक्ति प्रदान करें जिसकी मुझे आवश्यकता है। जीवन में जो ईमानदार और शुद्ध है, पवित्र है, ऐसा जीवन जीने में आप हमारी मदद करें प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं दिन रात संध्या सकारे हमारा ध्यान सिर्फ आप पर ही रहे। हे प्रभु, आप मुझे धर्म का मुकुट पहनाने की कृपा करें जो कभी भी मुरझाता नहीं है। आप द्वारा प्रदान किए गए अनेकों आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद। आप मुझे आमंत्रित करते हैं उसके लिए धन्यवाद। दुनिया की किसी भी चीज का मूल्य शाश्वत नहीं है। आप द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार आशीर्वाद हमें अनंत जीवन में प्रवेश देते हैं। भगवान, आप मेरी मदद करें जिससे मैं अपनी सारी ऊर्जा मैं अपने प्रयास में लगा दूं। प्रभु, मैं दूसरों को बदलने के बारे में सोचने के पहले उन लोगों के लिए, किन किन स्थानों पर लोगों के लिए अनुकूल बन सकूं, ऐसी कृपा कीजिए भगवान। स्वयं के भीतर मैं बेहतर परिवर्तन ला सकूं, मेरी मदद करें मेरे भगवान, मेरी मदद करें। हे भगवान, चित्त की अशुद्धि की प्रतीति जिस ज्ञान से होती है, उसी ज्ञान में चित्त की शुद्धि का उपाय भी विद्यमान है। उस उपाय को चरितार्थ करने की सामर्थ्य भी उसी ज्ञान में है। समस्त सृष्टि में जो शक्ति निरंतर कार्य कर रही है, चित्त उसी शक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति है। वह स्वरूप से अशुद्ध नहीं है, जबकि हम सब अपनी बनाई अशुद्धि को चित्त की अशुद्धि मान लेते हैं। चित्त की शुद्धि के साधन में प्रत्येक साधक सर्वथा स्वाधीन तथा समर्थ है। उसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा सामर्थ्य आप अनंत की कृपा से हम सबको आपने प्रदान किया है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, चित्त शुद्धि के ज्ञान और सामर्थ्य का हमें उपयोग कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। देह आदि वस्तुओं की प्राप्ति प्रतीति मात्र है, वास्तविक प्राप्ति नहीं है। यदि वास्तविक होती तो संयोग वियोग की अग्नि में हम सब नहीं जलते। यह संसार झार और झाकर आग लगे जल जाना है। इसको यथार्थ में जानने में आप हमारी मदद करें और मेरे जीवन में नित्य योग की लालसा को ज्वलंत कीजिए, जिससे हम आपके राज्य में प्रवेश कर सकें। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, जीवन में राग ने ही हम प्राणियों को भोग वासनाओं में आबद्ध किया है, भोग वासनाओं ने ही नित्य योग से विमुख कर दिया है। हे प्रभु, आप अपनी कृपा से संसार के राग को समाप्त करें और नित्य योग की प्राप्ति कराएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद।